एक और जोरदार मुकाबले की उम्मीद है। ये क्वार्टर फाइनल नंबर 3 है, पैराडाइज पब्लिक स्कूल वर्सेस साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल। हमें कबड्डी अच्छा लगता है इसलिए कबड्डी खेलते हैं। मुझे बड़ा होकर कबड्डी प्लेयर बनना है। जब हमें क्वालिफाई हुआ तो हमें बहुत फायदा हुआ, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या ये सुपर रेड होगी? चल गए। तारीफ करनी होगी पैराडाइज की। हमारा प्लान यह है कि अब की बार हम ही जीतेंगे और अपनी हिम्मत से खेलेंगे। सोचना तो कुछ नहीं है, बस यही उम्मीद है कि हम जीत के आए और स्कूल का नाम रोशन और देश का नाम रोशन। साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल चैंपियन था और हम की बार हम चैंपियन बनने के पूरे सोचेंगे। हम अब की बार हमारी टीम में बहुत अच्छे प्लेयर है, अरविंद शर्मा विराट कोर्ट में खेलता, बहुत अच्छा खेल। हमको चैंपियन बनना क्योंकि पिछले साल हमारी दूसरी ब्रांच से चैंपियन बनी थी, तो अब की बार हमें अपने सोनीपत और अपने गाँव का भी नाम ऊँचा करना है और अपने स्कूल का। मेरे लिए तो दोनों ही स्कूल एक ही बात है। वो साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल जीते, साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल जीते, मैं जो भी जीतेगा मेरे लिए दोनों बराबर। हमें किसी स्कूल से डर नहीं लगता, पर साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल जो हमारे भाई जैसा लगता है, पर हम उससे भी नहीं डरेंगे। गेम में कोई भाई भाई वाला रिश्ता नहीं होता, उसमें तो अपनी जीत और हार देखी जाती है। पैराडाइज पब्लिक स्कूल है इस मुकाबले की पहली टीम। जोश और खरोश से भरे ये नौजवान, बेहतरीन स्कूल है इनकी। स्टार्टिंग 7 देख लीजिए इनकी, मंजीत चौहान है, इसके अलावा परीक्षित और पवन, ये भी बेहतर प्रदर्शन करके आए इससे पहले। ये है तीसरे क्वार्टर फाइनल की दूसरी टीम, साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल। अपने शिक्षा और खेल के प्रति जो रुझान है, इसके लिए जाना जाता है ये स्कूल। सेमीफाइनल 2 के लिए ये संघर्ष है। नितिन, गौरव, प्रियांशु, इन 3 बच्चों पर नजर होगी जो टॉस जीतता है वो कोच चूज करता है और सामने वाली टीम को रेड ऑफर करता है, लेकिन इन्होंने रेड चूज की है और जाहिर है कि इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति जरूर होगी। लेकिन पहली ही रेड में शिकार हो गए। साउथ पॉइंट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। साउथ पॉइंट वर्ल्ड स्कूल जो था वो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। 6 खिलाड़ी मैट पर, 20 सेकंड की रेड और हर एक रेड टू और डायरी। बिल्कुल ये वक्त ले रहे हैं, ये काफी वक्त ले रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्हें बाहर जाना होगा। और ये देखिए ब्लॉक करने की कोशिश, कमजोर डिफेंस और जबरदस्त प्रदर्शन वहां नीरज का। और दादा एक नहीं दो दो पॉइंट लेकर लौटे हैं, अपना मोमेंटम इतना बढ़िया बनाया और वहां पर लेफ्ट कॉर्नर की गलती भी थी, वहां पर आ गए और पॉइंट गिफ्ट कर दिया पैराडाइज स्कूल को। 2 पॉइंट की बढ़त है और यहां पॉइंट मिलेगा साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल को। देखिए कितना मजा लूट रहे हैं दर्शक यहां पर, क्या जबरदस्त माहौल। बिल्कुल, जब आपके पास डू और डाई टाइप की रेड्स हो तो बोनस पर आप यकीन नहीं कर सकते। यहां पर सुपर टैकल है, ये हो गया या नहीं? ओह, हाथ बढ़े तो मिडलाइन की तरफ लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए, यानी कि ये सुपर टैकल। और नीरज वहां सुपर रेड लगभग ले गए दादा। एक बार फिर हमारे फेवरेट रेडर नितिन, सब्र भरी रेड, आराम से देखिए वहां पर कोशिश राइट कॉर्नर में कर रहे हैं, निगाहें बाकी खिलाड़ियों की तरफ। 5 रेड पॉइंट्स अब तक ले चुके हैं नितिन और यहां पर एक बोनस भी लेकर के गए। तो अगर उनकी टीम बढ़िया कर रही है तो नितिन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
चार खिलाड़ी सामने और आते ही रनिंग हैंड टच ले लिया नीरज ने, प्रियांशु को उन्होंने शिकार बनाया। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल ऑल आउट के बिल्कुल नजदीक और इस बार डैश कर दिए गए, यानी के ऑल आउट। तीन पॉइंट्स मिल गए हैं पैराडाइज को और ये तीन पॉइंट्स की मदद से उन्होंने पांच पॉइंट्स की शानदार लीड ले ली है हाफ टाइम तक 16-11। पैराडाइज पब्लिक स्कूल लीड कर रहा है साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के ऊपर। आखिरी 10 सेकंड में पैराडाइज पब्लिक स्कूल ने जो ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया, उस वजह से जो कांटे की टक्कर लगभग बराबर चल रही थी उसमें बढ़त ले ली और यहां पर शुरुआत भी बेहतरीन की है पैराडाइज पब्लिक स्कूल के डिफेंस ने। नितिन जो यहां आया है, डाइव लगाई, शानदार टाई होल्ड। अपनी मम्मी को देख करके वो हाथ उठा रहे हैं कि यस मैंने कर दिया काम। ये करीबी मामला हो सकता है, शायद लॉबी से बाहर जाने से पहले मिड लाइन क्रॉस कर की गई है। बिल्कुल ये सुपर रेड है, पहली सुपर रेड इस मुकाबले की। पंद्रह फासला 8 पॉइंट्स का और एक बार फिर ये फासला कबड्डी का खेल इतना जबरदस्त है कि 60 सेकंड में हाफ का गेम का चेहरा बदलने में वक्त नहीं लगता। यहां पर अकेले ही चले गए लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी, ऐसी गलतियां महंगी पड़ सकती है दादा साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल को। ऑल आउट के करीब डिफेंडर जानबूझ करके लॉबी में चले गए। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल लाजवाब मुकाबला, 24-24 की बराबरी और ये देखिए लीड मिल गई। फिलहाल परीक्षित रेड पर है, जबरदस्त तरीके से दबोच लिया साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के डिफेंस ने। यहां सुपर टैकल, एक मौका है सुपर टैकल करें, मुकाबले को बराबरी पर लाए, लेकिन ये तो ऑल आउट हो गए। ये तो ऑल आउट हो गए, यानी कि सुपर रेड तो है ही, फासला बढ़कर के अब 7 पॉइंट का। दूसरे हाफ में चित्र बदल गया है इस पूरे मुकाबले का। कौन कहता है कि सिर्फ प्रो कबड्डी के मुकाबलों में रोमांच है, मुझे लगता है कि केबीडी यानी कि बच्चों के ये मुकाबले कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग। और ये अपना पूरा समय लेंगे साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों को पता है मैच उनके हाथ में, पैराडाइज पब्लिक स्कूल के खिलाड़ी गलती करते हुए और देखिए क्या खुशी। बिल्कुल 36-26 यानी कि कुल मिलाकर 9 पॉइंट से ये मुकाबला साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के फेवर में।